हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो बात करने वाले हैं आज, हम वो बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, तो आइए वन बाई वन हम एक एक पॉइंट को समझते हैं कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है और ऑब्लिक कटिंग क्या होती है। तो पहला मेरा पॉइंट है ऑर्थोगोनल कटिंग में, जैसा कि दिखाया गया है कि कह रहा है कि द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। जैसे कि आपने लेथ मशीन में मशीनिंग शॉप किया होगा तो देखा होगा, जब हम अपनी टूल को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और हमारा जो टूल कटिंग टूल है हमारा, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 है। अब ये क्या है, हमारा टूल इस तरीके से जाएगा, ये कटिंग है जो पॉइंट है हमारा। तो टूल क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस जॉब के, ठीक है, इस कटिंग एज के। तो ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल कटिंग कहलाता है। देखो सपोज दैट, ये देखो तो क्या है, ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है और ये हमारा जॉब है। तो ये देखो किस तरीके से मूव कर रहा है, ये हमारा जो कटिंग एज है वो इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यानी क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमारा जो कटिंग होगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल कटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिक कटिंग के बारे में। ऑब्लिक कटिंग क्या कहता है कि कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइन एट द एंगल विद द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। देखो ये कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, जॉब है, हमारा जो टूल है इस तरीके से फिक्स है। यहाँ पे क्या है, देखो ये कटिंग एज है, ये यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी 90 नहीं है, कुछ एंगल पे हमारा टूल सेट है। तो इस तरीके से अगर हमारा कटिंग करता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक कटिंग। क्या है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन के, वो भी कैसे, इंक्लाइन है। यहाँ पे क्या क्या था, परपेंडिकुलर था जॉब में। देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा टूल है, जो हमारा कटिंग टूल है, एक एंगल क्रिएट कर रहा है, ये क्या है, एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी थीटा डिग्री कुछ इंक्लाइन है। तो इस तरीके से अगर हमारा कटिंग करता है तो कहलाता है ऑब्लिक कटिंग। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारा टूल है और ये देखो जो हमारा टूल है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर इस जॉब के इस तरीके से, और ये क्या है, कैसा है, ऑर्थोगोनल कटिंग है। तो यहाँ देखो ये जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे देखना अभी, ये क्या है, देखो इस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, फिर इस तरीके से, तो ये जो तिरछी कटिंग कर रहा है ना, ये इंक्लाइन है इस टूल के, तो इस तरीके से हमारा कटिंग क्या कराती है, ऑब्लिक कटिंग कराती है। जैसे यहाँ देखो, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे और इस जॉब के बीच में क्या है, एक एंगल हो रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या, ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, ठीक है। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन है हमारे का, ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा टूल कटिंग करता है तो इसे हम कहते हैं ऑब्लिक कटिंग। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की। इसमें कहता क्या है कि द कटिंग एज क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस ऑन द आइदर। कहने का मतलब, जो हमारा कटिंग एज है और हमारा जो विड्थ है, यानी ये जो हमारा विड्थ कटिंग कर रहा है, ये क्या है, वर्क पीस के आइदर एंड है, और यहाँ पे क्या होता है, मे या मे नॉट क्लियर विड्थ ऑफ द वर्क पीस, क्योंकि ये क्या है, इंक्लाइन है। तो इस तरीके से जो हमारा चिप कटिंग करता है, जो हमारा कटिंग एज होता है वर्क पीस का, वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चिप फ्लो नॉर्मल टू द कटिंग एज इन ए फ्लैट स्पायरल। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कटिंग है, ये हमारा का चिप है। अब ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल इसके, देखो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है, इसके नॉर्मल है इस कटिंग एज के, चिप हमारा जो फ्लो होता है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा चिप फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, एक लॉन्ग कर्व में साइड वे से फ्लो होता है। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, इस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है चिप, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओनली टू कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स और एक्टिंग ऑन द टूल। जो हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग है, यहाँ पे देखो दो फोर्स काम करते हैं। देखो एक ये हमारा क्या कटिंग फोर्स लग रहा है, दो फोर्स है यहाँ पे, क्या होगा, एक हमारा क्या है एफसी है, एक हमारा क्या है एफटी है, यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या है, दो फोर्स काम करते हैं इस कटिंग टूल में, ठीक है। लेकिन जो हमारी ऑब्लिक कटिंग है वहां पे कितने कंपोनेंट काम करते हैं, थ्री कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स आर एक्टिंग ऑन द टूल। देखो किस तरीके से अगर हम देखें, ये क्या है, एक कटिंग है, यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक कटिंग फोर्स लग रहा होगा, दिस इज एफ सी, और एक हमारा फोर्स लग रहा होगा एक एफ टी, और एक हमारा फोर्स काम करता है इसमें एक्सियल फोर्स जो ब्रेक होने के बाद। यानी कहने का मतलब, अगर हम ये तीनों फोर्स की बात करें
हमारा जो एफ ए है वो हमारा कहलाता है एक्सियल फोर्स। कैसा फोर्स है हमारा? एक्सियल फोर्स है, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है। और हमारा जो एफ आर है वो हमारा कैसा है? रेडियल फोर्स है, ठीक है। और हमारा जो एफ सी है, दिस इज एफ सी, वो हमारा क्या है? कटिंग फोर्स है। तो क्या होता है, ये हमारा डिफरेंट होता है कि जो हमारा ऑब्लिक कटिंग है वहां पे तीन फोर्स काम करते हैं कटिंग में, और जो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग है वहां दो फोर्स काम करते हैं, ठीक है। इतनी बार समझ में आ गया। अगर हम इसी को ब्रेक करते हैं तो हमारा जो एफ ए होगा, जो हमारा एक्सियल फोर्स होगा होता है, वो हमारा एफ टी कॉस थीटा में ब्रेक होता है, और हमारा जो एफ आर होगा एक तरीके से ये हमारा क्या होता है? एफ टी साइन थीटा में ब्रेक होता है, कहते हैं एफ टी साइन थीटा हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड टू डी कटिंग। वैसे टू डी कटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो फोर्स काम करते हैं, दिस इज एफ टी एंड एफ सी, सो इसे हम कहते हैं टू डी कटिंग। इसे हम कहते हैं थ्री डी कटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन फोर्स काम करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं थ्री डी कटिंग। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब कह रहा है कि मोर हीट जनरेशन। तो यहाँ मोर हीट जनरेशन क्यों होता है? क्योंकि जो इसका हमारा कटिंग का डेप्थ है ना वो ज्यादा होता है, यानी कटिंग ज्यादा होती है, हमारा चिप जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम चिप थिकनेस होता है। तो जब ज्यादा चिप होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वहां हीट क्या है? ज्यादा जनरेशन होगी। अब जब हमारी हीट ज्यादा जनरेशन होगी तो हमारा जो टूल है वो ज्यादा वियर होगा। अब जब टूल वियर होगा तो उसकी टूल की लाइफ भी क्या होगी? लेस होगी, ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ऑब्लिक कटिंग में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है? लेस हीट जनरेशन होता है, यानी कटिंग के दौरान जो हमारा हीट का जनरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जब हीट का जनरेशन कम होगा तो हमारा जो टूल वियर भी कम होगा, और जब टूल वियर कम होगा तो टूल की लाइफ भी क्या होगी दोस्तों? अच्छी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बताते हैं कि हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है और ऑब्लिक कटिंग क्या होती है। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।